वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। एक्सेल के अंदर हम जो आज के क्लास में देखने वाले हैं उसमें हम मिसिंग नंबर को चेक करना सीखेंगे। सपोज़ हमारे पास कुछ सीरियल नंबर हैं और हम चाहते हैं उसमें जो जो हमारे मिसिंग नंबर हैं वो हम पता कर पाएँ और उनको कंप्लीट कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक से लेकर यहाँ 30 तक सिलेक्शन कर लेता हूँ और रैंडम बिटवीन से एक से लेकर 50, यानी कि जो मैं डेटा ले रहा हूँ एक से लेके 50 के बीच का ले रहा हूँ, 20 नंबर इसमें मिसिंग होंगे वो मुझे पता करने हैं। अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो वो मुझे हटाना होगा। कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने किया इस तरीके का हमारा डाटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर कॉपी करते हुए इसको पेस्ट वैल्यू बना देंगे। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ से कंट्रोल माइनस से हटा देंगे। ये हमारे पास कुछ रैंडम डेटा आ चुका है। सबसे पहले हम एक बार इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको पहले हटाएंगे और फिर इसमें जो मिसिंग नंबर है उसको हम चेक करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल के अंदर हमें जाना है डुप्लीकेट वैल्यू पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही हैं। हम यहां से उन डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाएंगे। हटाने के लिए डेटा टैब पर हमें जाना है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे हमसे पूछा जाएगा किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको हटाना है। ओके करते ही हमारे यहाँ से डुप्लीकेट्स वैल्यू हट चुकी हैं। अब इसमें हमारे 20 नंबर हैं, यानी कि 30 नंबर हमारे मिसिंग है एक से लेके 50 तक के। हम सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेंगे। होम के अंदर से हमारा एक ऑप्शन होता है शॉर्ट एंड फिल्टर, जिसमें शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमें इसको क्लिक कर देना है। हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें इस डाटा को सिलेक्शन करना है। इसके दो फॉर्मेट हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका और एक और तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आप उस तरीके से भी कैसे वो पता कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ। डेटा के अंदर जाना है और आपको फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। पहले डेटा आपका सिलेक्ट होना चाहिए, डेटा शॉर्ट होना चाहिए, तब आपको जाना है फ्रॉम टेबल रेंज पर। जैसे ही आप फ्रॉम टेबल रेंज पर जाएंगे आपसे एक टेबल क्रिएट करने के लिए एक मैसेज आएगा, आपको ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही आपका एक पावर क्वेरी का ऑप्शन यहाँ पर विजिबल होगा और ये देखिए वो नंबर्स हैं जो हमने अभी यहाँ से यूज़ किए हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको यहाँ से क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते ही हमारा डेटा एक टेबल में आ चुका है। अब हमें एक क्वेरी लगानी होगी, डेटा पे वापस जाना है हमें और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हमारे पास गेट डेटा पर फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ब्लैंक क्वेरी का। इस ब्लैंक क्वेरी में हमें एक काम करना है। सबसे पहले जैसे कि हमारे नंबर्स हमने यहाँ पर एक से लेके 50 तक देखने हैं कौन सा नंबर मिस है, तो हमें एक फार्मूला यहाँ पर लगाना है इक्वल। सबसे पहले हमारा जो मिनिमम स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेसिस हमें ओपन करना है। मिनिमम हमारा स्टार्ट होना है 1 से और मैक्सिमम हमारा 50, तो 1 डॉट डॉट आपको लगाना है एंड 50 लिख देना है। जो आपका मैक्सिमम रेंज है वो कुछ भी हो सकता है, 1000, 10000। कर्ली ब्रेसिस ऑफ कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है। ये आपका वो एक रेंज आ चुकी है, यानी कि हमें टेबल में जो मिसिंग डेटा है वो इससे मैच कराना होगा। अब हमें ये जो लिस्ट मिली है इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म के अंदर पहला ही ऑप्शन है क्योंकि ये क्वेरी सेक्शन है, इसे टेबल में कन्वर्ट करना होगा। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसे ओके प्रेस करेंगे तो इस पूरे कॉलम को एक बार हम डेटा टाइप नंबर में बदल देंगे। तो डेटा टाइप में आपको वोल नंबर पर क्लिक करना है और असेंडिंग तो हमारा है ही, एक बार हम और असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। डेटा हमारा असेंडिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ से एक ऑप्शन लगाना है मर्ज क्वेरी का। मर्ज क्वेरी पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेरी वन है इसको हम मैच करेंगे अपनी टेबल के डेटा से और आपको यहाँ पर लेफ्ट आउटर ही सिलेक्ट रखना है, देन प्रेस कर देना है ओके। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो दूसरा टेबल है उससे मर्ज होकर एक डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ से अपना ओरिजिनल कॉलम नेम प्रीफिक्स को हटा देंगे। हमें जो जो नल वैल्यू दिख रही है वो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। अब हमें मिसिंग वैल्यू ही चाहिए।
उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे। ऐड कॉलम में आप देखेंगे कंडीशन कॉलम है, और कंडीशन कॉलम में हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। आप उस कॉलम का नाम दे सकते हैं, जैसे मिसिंग वैल्यू हमने कॉलम का नाम दे दिया है। इफ़ कॉलम 1.1 यानी कि दूसरा कॉलम हमारा जो है, अगर उसमें नल होता है तो उस नल का हमें एक कॉलम सिलेक्ट करके वैल्यू दे देनी है कॉलम 1 की, यानी कि नल की जगह जो वैल्यू है कॉलम 1 में वो आ जाएगी, अदरवाइज नल। यानी कि ये एक तरीके से रिवर्स हो जाएगा, जहाँ नल है वहाँ नंबर आ जाएंगे और जहाँ नंबर है वहाँ नल हो जाएगा। ओके प्रेस करते ही हमारा ये इस तरीके का डेटा आपको दिख रहा होगा, और यही हमारी मिसिंग वैल्यू है। आप चाहें तो इन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव कॉलम, और यहाँ से इसे होम पे जाते हुए क्लोज एंड लोड। ये लीजिए हमारी मिसिंग वैल्यू आ चुकी है, आप शॉर्ट कर दीजिए। ये हमारे 1 से लेकर 48 तक जो नंबर दिख रहा है, 1, 2, 3 हमारी टेबल में है, वो हमें नहीं दिख रहा। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए और मैच कर लीजिए कि इसमें ये डेटा नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारा है, 7 है तो मिसिंग है 4, 5, 6, बिल्कुल इसमें आपको मिलेगा। 15, 16 के बाद 17, 18 नहीं है, 19 नहीं है, वो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी मिसिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर वही नंबर हमने यूज़ करे हैं, और जैसा हमें पता है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में यहाँ पर नंबर है, तो हमें एक फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। हमें यहाँ पर मैच कराना है रो की नंबर को इस डेटा की लिस्ट से। जैसे मैच में हमने एक फार्मूला लगाया रो, और पहली रो पे हमने टिक कर दिया, इसका मतलब यहाँ से रिटर्न होके आएगा 1। रो जो फार्मूला होता है उससे नंबर ऑफ रो की वैल्यू रिटर्न होके आती है, यानी कि 1 हमारा यहाँ पर हमें मैच कराना है इस पूरे डेटा से, और इस पूरे डेटा को हम F4 से फ्रीज कर देंगे, क्योंकि यही रेंज हमारी बार बार हर रो के लिए चेक करने के लिए हमें यूज़ करनी है। एंड देन फाइनली 0 इसलिए क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, हमारा रो एग्जैक्टली इस डेटा से मैच होना चाहिए। एंटर प्रेस करने के बाद अभी आप देखेंगे NA यानी कि नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रो है वो मैच नहीं हो रहा। अब हम इसे 50 तक, क्योंकि 50 तक हमारा डेटा है, कंट्रोल डी से फिल डाउन कर देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नंबर है 1 वो मिसिंग है, यहाँ पर 2 मिसिंग है, यहाँ पर 3 मिसिंग है, यहाँ पर वो नंबर हमें मिसिंग नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ 1 रो रिटर्न होके आया था वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट अवेलेबल था। यहाँ नॉट अवेलेबल है, यहाँ पर 3 नंबर अवेलेबल है वो हमें दिख रहा है। तो हमें अब उल्टा करना है, यहाँ से जो जो नंबर हमारा अवेलेबल नहीं है उनकी लिस्ट हमें थर्ड कॉलम में शो करानी है। तो सिंपली अब थर्ड कॉलम में फार्मूला लगाते ही हमें वो मिसिंग नंबर पता लग जाएंगे। हमें इक्वल के साथ इफ़ फार्मूले के अंदर इफ़ एरर का इस्तेमाल करना है, और चेक करना है कि अगर इस सेल में एरर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 0 वैल्यू देते हुए ये बताना होगा कि अगर एरर है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि वो ब्लैंक दिखाई दे, अदरवाइज हमारा रो का नंबर हमें शो हो। और इस तरीके से हमने दे दिया कि अगर एरर है तो ट्रू होने पर वो ब्लैंक दिखाई दे, अदरवाइज रो का नंबर हमें शो हो। और हमने इस फॉर्मूले को नीचे 50 रो तक कंट्रोल डी से डाउनफिल करा देना है। तो ये वो रो नंबर आ चुके हैं जो हमारे मिसिंग है। आप चाहें इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके एज अ पेस्ट वैल्यू कर सकते हैं, और उसके बाद इसे यहाँ से कंट्रोल माइनस से हटा सकते हैं। ये सिलेक्शन जो आपने करा है आप इसको शॉर्टिंग कर लीजिए और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन रखते हैं, तो फिर आपका ये जो डेटा है ये शॉर्ट हो जाएगा और ये आपको आपके मिसिंग नंबर मिल चुके हैं। तो ये दो तरीके थे कि कैसे हम एक्सेल के अंदर अपने मिसिंग वैल्यू को पता करें। अगर सीरीज़ में कंटिन्यूसली कुछ नंबर्स मिसिंग है तो ईजीली हम ये दो मेथड से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो आपका कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर
इससे रिलेटेड कोई भी आपका और इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी के और वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट selfadhyan.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।